इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि BARC की तरफ से रिलीज की गई है, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है। और इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने नंबर ऑफ GRF फेलोशिप के बारे में जो है मेंशन किया है, जिसमें नंबर ऑफ GRF फेलोशिप इन्होंने मेंशन करके रखी है टोटल 105। तो इन्होंने जो है नोटिफिकेशन निकाला है फॉर द GRF पोस्ट। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी होती है एज वेल एज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारे हाईलाइटेड पॉइंट को मेंशन करूंगी। डिटेल में जानने के लिए आप इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोस्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे BARC मुंबई इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू द इंटेंस मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च ऑफ सपोर्टिंग द एम्बिशियस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ऑफ इंडिया। और यहाँ पे इन्होंने जो है GRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पर इन्होंने पोस्ट निकाला है मेनली इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज। तो सिर्फ लाइफ साइंस के लिए ही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर पोस्ट रिलीज की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड फॉर PhD इन द होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये GRF की इन्होंने पोस्ट निकाली है, जितने भी बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे इस पोस्ट पे उन बच्चों को रजिस्टर किया जाएगा फॉर द PhD मेनली फ्रॉम होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो पोस्ट है ये PhD के लिए ही है, मतलब आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको PhD में ही इनरोल किया जाएगा। अब एरिया आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट इन द साइंस डिसिप्लिन, जिसमें कि फिजिकल साइंस है केमिकल साइंस है। जो भी बच्चे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हैं वो इस वीडियो को पॉज करके डिटेल को पढ़ सकते हैं, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डायरेक्टली वहां से डाउनलोड करके भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि हमारा चैनल मेनली लाइफ साइंस को डेडिकेटेड है तो यहाँ पे मैं लाइफ साइंस रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट डिटेल को मैं कवर करने वाली हूँ। तो जो आपको डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है, जो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिलने वाले हैं जिसमें कि रिसर्च कैरी ऑन हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि हो गया कैंसर बायोलॉजी, डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोम, टारगेटेड थेरेपी, फंक्शनल ऑर्गेनिक मटीरियल, लो एंड हाई रेडिएशन डोज रिस्पॉन्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ऑफ प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक स्ट्रेस बायोलॉजी, बायोरिमेडिएशन, क्रिस्पर कैस बायोलॉजी, टीवी डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट, म्यूटेशन ब्रीडिंग, प्लांट एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग, बायोसेंसर एंड पेस्ट कंट्रोल, बायोफिल्म, बायोफ्यूलिंग एंड थर्मल इकोलॉजी। तो इन सारे एरिया में जो है यहाँ पे रिसर्च अवेलेबल है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनका एज जो इनका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, उस डेट तक जो उनकी एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन 28 ईयर, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए एज रिलैक्सेशन की बात, तो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है और 5 ईयर का रिलैक्सेशन है इन केस ऑफ SC ST स्टूडेंट एंड 10 ईयर का रिलैक्सेशन है इन केस ऑफ द PWD एप्लीकेंट। मेक श्योर आपके पास जो आपका बर्थ डेट का जो प्रूफ होगा वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि ओनली SSC या जो 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उस पे जो बर्थ डेट मेंशन होगी उसी को एज अ बर्थ प्रूफ माना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं यहाँ पर कि जो भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए यानी PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं BARC में, उनके लिए जो है जरूरी है कि वो BSc में 60% एग्रीगेट मार्क्स उनके हो और MSc में 55% उनके मार्क्स एग्रीगेट होना जरूरी है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अभी भी आपका MSc का फाइनल ईयर चल रहा है या फिर जस्ट कंप्लीट हुआ है लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर लेकिन जो बच्चे अभी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके अभी तक के जो मार्क्स हैं वो लगभग जो है 60% एग्रीगेट होने चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है द BSc डिग्री एंड द कॉपी ऑफ MSc फर्स्ट ईयर मार्कशीट along with the application, such candidates should have scored marks above 60 degree aggregate until the previous semester or year and minimum aggregate of 60% in the BSc level. तो अगर आप result awaited category के student हैं तो आपके 60% marks BSc में भी होना जरूरी है और अभी तक MSc में जितने भी आपको marksheet मिल गए हैं except the last semester marksheet, तो अभी तक जितने मिले हैं उसमें भी 60% aggregate होना जरूरी है। In case appearing student are selected for GRF, they should secure 55% marks in aggregate in the MSc examination and submitted their MSc degree and mark sheet on the date of interview. Failing will be a cancellation or termination of the candidature. यानी बोला गया कि मान लीजिए अगर आप result awaited category के student हैं और अगर आपका GRF में selection हो जाता है तो जो final आपके marks देखे जाएंगे वो लगभग आपके 55% marks होने चाहिए आपका final result. ओके और ये जो मार्कशीट होगी वो आपको डेट ऑफ इंटरव्यू तक प्रेजेंट करनी पड़ेगी। अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 55 डिग्री। यहाँ पे डुअल डिग्री का मतलब हो गया BSc MS डुअल डिग्री।
अगर आपके मार्क्स सीजीपीए या फिर जीपीए में है तो आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हर एक इंस्टीट्यूट के पास अपना एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उसका आप प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप अपने पॉइंट स्केल के जो नंबर होते हैं उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं द एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी इज द एलिजिबल क्वालिफिकेशन विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि आपके पास मेन सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए और एडिशनल रिक्वायरमेंट ये क्या मांग रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लाइफ साइंस की बात बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट यानी आपका लाइफ साइंस जो है लाइफ साइंस के डिपार्टमेंट में होने का मतलब है आपने एमएससी या फिर डुअल डिग्री जो है लाइफ साइंस में की हो, या बॉटनी में, या जुअलॉजी में, या फिर हो सकता है एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैरीन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंस एंड बायो साइंस। तो इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आपने एमएससी या फिर डुअल डिग्री की है तो आपकी एलिजिबिलिटी है। लेकिन साथ साथ ये कुछ और भी डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि द एमएससी एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एट देयर बीएससी लेवल। मान लीजिए आपने मास्टर इन सारे सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में किया है, लेकिन बीएससी में आपसे ये सब्जेक्ट मांगे जा रहे हैं, जैसे कि बीएससी में आपके पास या तो फिजिक्स होना चाहिए था, या केमिस्ट्री, या बायोकेमिस्ट्री, या फिर एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए था, तभी आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है यहाँ पे। साथ ही साथ इन केस ऑफ अ फाइव ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी वन ऑफ द अबव सब्जेक्ट एज अ सब्सिडरी और एसिलरी लेवल। और अगर आपने फाइव ईयर का इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स किया है तो आपका जो ऊपर वाला सब्जेक्ट देके रखा है वो एज अ साइड सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ करके बीएससी लेवल में आपने फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी पूरी एलिजिबिलिटी यहाँ पे देखी जाएगी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने लाइफ साइंस के ऊपर जो है स्ट्रिकॉट लगा के रखा है, स्टार लगा के रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया द कैंडिडेट्स विथ एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी इन फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, बायो एनालिटिकल साइंस, पॉलीमर साइंस, मेडिसिन, मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड होम साइंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट्स विद बीटेक, एमटेक डिग्री इन एनी ऑफ द लाइफ साइंस डिसिप्लिन आर नॉट एलिजिबल। तो अक्सर देखा गया है कि बार के जो मैक्सिमम पोस्ट होते हैं उसमें वो लोग बीटेक एमटेक को एलिजिबल नहीं करते हैं, वी डोंट नो द रीजन बिहाइंड दैट। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो और भी इन्होंने डिपार्टमेंट बोले हैं वो डिपार्टमेंट भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। आगे देखते हैं। ओके, इसके अलावा एक और यहाँ पे एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट रख रहा है बार कि आपके पास इनमें से कोई भी एटलीस्ट एक क्वालिफिकेशन और होनी चाहिए, जैसे कि हो गया आपके पास यूजीसी सीएसआई नेट की फेलोशिप होनी चाहिए लेकिन स्लेट या फिर लेक्चररशिप एलिजिबल नहीं है, यानी आपके पास जीआरएफ होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास जेस्ट हो सकता है या फिर आपके पास आईसीएमआर जीआरएफ या आईसीएआर जीआरएफ टेस्ट का क्वालिफिकेशन हो सकता है, या आपने डीबीटी जीआरएफ क्लियर करके रखा हो वो भी एलिजिबल है, या फिर आपके पास वैलिड गेट का स्कोर हो, चाहे वो फिजिकल साइंस के बच्चे हो, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आपके पास गेट का स्कोर भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास जीआरएफ होना ही जरूरी है, गेट भी अगर है तो भी आप एलिजिबल है। तो अगेन मैं बता दे रही हूँ, सीएसआईआर जीआरएफ, जस्ट आईसीएमआर जीआरएफ, आईसीएआर जीआरएफ, डीबीटी जीआरएफ एंड गेट इन लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये बच्चे एलिजिबल हैं। एलएस और स्लेट के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं है। मेक श्योर जो भी आपके पास एलिजिबिलिटी है उसके पास उसके लिए आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप ये सारे प्रूफ को सबमिट करेंगे, चाहे वो प्रूफ आपके पास एज अ फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में हो या फिर टेम्पररी रिजल्ट के फॉर्म में हो। जो कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो मेनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, साथ ही साथ आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है और आपने नेशनल लेवल पे जो एग्जाम दिए हैं उसमें आपने स्कोर कितना लिया है। सो द फर्स्ट स्क्रीनिंग विल बी मेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द एप्लीकेंट एंड द फर्दर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द नेशनल वाइड स्क्रीनिंग टेस्ट दैट इज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये दो लेवल पे जो है आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जनरल सेक्शन के तौर पे आपसे बोला जा रहा है कि फॉर्म को भरने से पहले सबसे पहले आप ये देख ले कि आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल हो रही है, यानी वो एलिजिबिलिटी जो इन्होंने मेंशन किया जो कि टोटल तीन लेवल पे है। एक तो ये कि बीएससी एमएससी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, दूसरा ये कि बीएससी एमएससी में और कौन कौन से सब्जेक्ट इन्होंने डिमांड की है, और तीसरा कि इन्होंने कुछ नेशनल लेवल एग्जाम के क्लियरेंस की भी डिमांड की है। अब एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। 500 रुपीज दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी, और यहाँ पे जो
मोड होगा पेमेंट का वो होगा ऑनलाइन, जो कि आप अलग अलग ऑप्शन देख सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट जो है किसी भी कैटेगरी की हो उनके लिए कोई फी नहीं लगेगी, साथ ही साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए भी किसी भी टाइप का यहाँ पे फी नहीं लगेगा। अगर आप सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट नहीं करते हैं और सही डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं शो करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। जो डिटेल गाइडलाइंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको जॉब एप्लीकेशन में जाना है, वहां पे क्लिक करना है हाउ टू पे एप्लीकेशन फी, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के लिए एप्लीकेशन का जो फी है वो आपको लास्ट डेट से पहले पहले पे कर देना है। हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे मेंशन है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ये है वेबसाइट जहां पे आपको विजिट करना है, दैट इज recruit.brc.gov.in। इस पर क्लिक करके आपको जो है सारे डिटेल मिल जाएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म भरते टाइम ये मैंडेटरी है कि कैंडिडेट जो है अपने एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अच्छे से मेंशन करे अंडर द कॉलम एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड अपलोड देयर एसएससी एचएससी बीएससी एमएससी मार्कशीट एंड द डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द वैलिड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड एंड द कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। द ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट द अटैचमेंट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड। इंडिविजुअल सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ बीएससी एमएससी मे बी कंप्रेस सेपरेटली इन टू द सिंगल फाइल अपलोडेड। यहाँ पे भी इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बता दी गई है, तो इसको भी आप फॉलो अप कीजिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली आपको विजिट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए जो है ये ट्रैवलिंग अलाउंस दे रहे हैं टिल द थर्ड एसी। ओके, जो रेलवे में जो फेयर होता है थर्ड एसी तक का, उतने तक का फेयर आपको जो है ये रीइंबर्स कर देंगे, जो भी आपका खर्चा लगेगा ये उसको वापस से पे बैक कर देंगे। और ऑब्वियसली और ये जो मतलब ये जो रिजर्वेशन होगा आपके ट्रेन का वो होगा टिल मुंबई, क्योंकि आप बीआरसी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज सिचुएटेड इन मुंबई। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि बाय एयर ट्रैवल करता है तो आपको जो पैसे रीइंबर्स किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड टायर एसी के लिए ही रीइंबर्स किए जाएंगे। फेलोशिप एंड टेनर की बात कर लेते हैं। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एज अ जीआरएफ पोस्ट मिलेगी, जिसमें कि आपको 2 साल के लिए 31,000 पर मंथ आपको एज अ लाइक फेलोशिप दी जाएगी, और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होने के बाद थर्ड ईयर से जो है आपके जीआरएफ को अपग्रेड करके एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दैट इज फ्रॉम द थर्ड ईयर, जहां पे आपको 35,000 पर मंथ मिलेगा। और टोटल जो पीरियड होगा फेलोशिप का ये 5 साल से ज्यादा का नहीं होगा। कॉन्टिजेंसी ग्रांट जो है वो आपको 40,000 पर ईयर देखने को मिलेगा। एकोमोडेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बता के रखा है कि एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, और इन केस अगर एकोमोडेशन आपको नहीं मिलता है तो आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे दिखा के रखा है। फॉर द जीआरएफ इट्स 8370 पर मंथ एंड फॉर द एसआरएफ इट्स 9450 पर मंथ फॉर द मुंबई एरिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इन्होंने मेंशन की है दैट कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू इफ दे फेल टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन अ वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड सच एज द वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड पासपोर्ट और कॉलेज आईडी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एज वेल एज वन सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे मुंबई तो उस टाइम पे ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एज इट इज फॉर्म में, जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो रिसिप्ट फॉर द एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 4th of August 2023। लास्ट डेट जो होगी वो होगी 31st of August 2023। इंटरव्यू जो है सेप्टेम्बर या अक्टूबर में रखा जा सकता है, टेंटेटिव डेट है ये, और आई मीन टू से टेंटेटिव मंथ है। आपको डेट के बारे में जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पता चलेगा। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन चाहे वो स्क्रीनिंग से रिलेटेड हो, इंटरव्यू या सिलेक्शन से रिलेटेड हो, वो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। ये 2 वेबसाइट आप देख सकते हैं अपने सामने, इन्हीं दोनों वेबसाइट को आप अच्छे से जो है बुकमार्क करके रख सकते हैं ताकि आप कुछ भी अपडेट जो है इनकी तरफ से मिस ना करें। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं दोनों वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग द पीएचडी प्रोग्राम इन बार्क। उम्मीद करती हूँ ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड इट यूजफुल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।